अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट 5 एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका फिर से दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बर्ड पैरोट को घर का खाना देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कौन कौन सा फूड देना चाहिए और कौन सा फूड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और देने के क्या फायदे होते हैं या फिर क्या नुकसान होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग घर का खाना देते हैं। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना और एंड तक देखना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग बर्ड पैरेट रखते हैं तो घर का खाना देते हैं, और उसके बाद आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हम तो घर का खाना दे रहे हो तो हमारे बर्ड पैरेट ऑलवेज एक्टिव है, तो क्यों ना हम घर का खाना ही दे। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि घर का खाना देने से क्या प्रॉफिट होता है या फिर क्या लॉस होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये जान गए तो आप खुद ही समझ जाओगे फिर खाना देना चाहिए या फिर नहीं। जो बर्ड पैरेट्स रहते हैं ना, वाइल्ड बर्ड पैरेट, आपने कभी उनको देखा होगा कि उनके फैदर प्रॉब्लम या फैदर का कलर खराब हो रहा है उनके। आपके आसपास अगर बर्ड पैरोट वाइल्ड में होंगे तो आपने कभी नोटिस किया है कि उनको कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं होता होगा भी तो ना के बराबर होता होगा, क्योंकि क्या वो घर का खाना खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं खाते। ऑलवेज वो नेचुरल फूड ही खाते हैं, वो ऑलवेज नेचुरल फूड ही खाते हैं जो उनको नेचर में मिलता है, वो खेतों से और ट्री से उनको जो मिलता है वो वही खाते हैं। तो आप क्या करते हो, पैरेट को घर पे रखते हो और उसको घर का खाना देते हो। सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोग नेचुरल फूड भी देते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता तो कुछ भी अनाप शनाप उनको जो खुद खाते हैं, दाल रोटी राइस चावल, वो उनको घर का खाना दे देते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं दाल चावल रोटी, उसमें होता है नमक, और नमक से उनके फैदर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फैदर प्रॉब्लम होने लगती है, फैदर झड़ने लग जाते हैं, फैदर की और भी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, फैदर के कलर जो होता है वो डाउन हो जाता है। नमक से बहुत टाइप की उनको फैदर की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, आप अगर उनको दूध बिस्किट, दूध रोटी, दूध ब्रेड दे रहे हो तो दूध से उनको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज दूध उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, दूध अगर उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, नेक्स्ट क्या होता है, घर का खाना दाल चावल उनको सूट ही नहीं होता है। ऑल ओवर घर का खाना देने से क्या होता है ना, उनको कभी भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कभी भी उनके बॉडी में कोई भी इश्यू हो सकता है, या फिर उनकी डेथ हो सकती है, या फिर वो उनकी आप लाइफ और आप तो उनकी लाइफ कम कर रहे हो। अगर पैरेट घर का खाना खा रहे तो उनकी लाइफ कम कर रहे हो आप। और पैरेट भी घर का खाना बहुत शौक से खाते हैं, अगर आप खा रहे हो तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो उन्हें तो नहीं पता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट आपको पता है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप लगातार उनको खाना दे रहे हो तो स्टार्टिंग में भले ही कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद या साल भर में उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक नहीं, कहीं बीमारी, अनेक बीमारी उनको धीरे धीरे होने लगेंगे आपके पैरेट को। तो आप घर का खाना देके उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हो, आप मुंह माया में उनको प्यार तो बहुत कर रहे हो, और मुंह माया में आप उनको घर का खाना दे रहे हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं है तो आप घर का खाना दे रहे हो, तो आप उनके साथ खेल रहे हो। धीरे धीरे उनको कई ज़्यादा बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएगी, ये बात का आप ध्यान रखें। आपको उनको नेचुरल, आप उनको ऑलवेज नेचुरल फूड दीजिए, इससे उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाएंगी, प्लस वो ऑलवेज हेल्दी रहेंगे, उनको बॉडी का कोई इशू नहीं होगा, उनको फैदर का कोई इशू नहीं होगा, उनको पेट का कोई इशू नहीं होगा। अगर आप घर का खाना दे रहे हो, आपको पता नहीं था और आप दे रहे थे, तो अभी से ही चीज़ बंद कराए। आप वेजिटेबल दें उनको, फ्रूट दें उनको, सीड्स दें उनको, बाजरा दें उनको, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उनको दे सकते हो जो नेचुरल है और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताई कि पैरेट को घर का खाना देना चाहिए या फिर नहीं, और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि आपको घर का खाना
बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऑयल, नमक, दूध ये सब उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।